हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक इंग्लिश मोरल स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है नीताज फुलिसनेस। तो इस स्टोरी में हम लोग वोकेबलरी, प्रोनंसिएशन और ग्रामर स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। नीताज, नीता वाजिया, केयरलेस एंड फूलिश गर्ल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस लाइन के मतलब कि केयरलेस मतलब जो होती है वो लापरवाह होती है, और फूलिश मतलब जो होती है सो बेवकूफ़ी होती है। तो नीता जो है एक लापरवाह और बेवकूफ लड़की थी। शी यूज टू लूज हर थिंग्स ड्यू टू हर केयरलेसनेस। तो यहाँ पे देखते हैं यूज टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज टू के बाद हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि वह बचपन में खेला करता था, तो यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड, बचपन में खेला करता था। जैसे कि वह जाया करता था, तो इसको क्या बनाएंगे, यूज टू गो, जाया करता था, यूज टू प्ले, खेला करता था। तो इसको बहुत लोग लॉस पढ़ता है, तो यहाँ पे इसको लॉस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे। तो वह लूज मतलब जो होती है इसे खो देना, गवा देना। तो वह खो दिया करती थी अपना चीज़ें, अपना वस्तुएं ड्यू टू किसके कारण, अपना केयरलेसनेस के कारण, यानी कि वह लापरवाह के कारण जो होती थी सो अपना वस्तुओं के खो दिया करती थी। नीताज फादर, तो एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग को जोड़ने का रहता है का की, वहाँ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नीता का तो नीताज हो गया, राम का तो रामज हो गया। तो नीताज फादर उज टू से, तो नीताज फादर उज से मतलब क्या निकलता है, नीता का फादर कहा करती थी, कहा करते थे, नीता यू मस्ट लर्न टू बी केयरफुल। मस्ट मतलब हम लोग क्या होती है, यानी कि जरूरी होती है, आवश्यकता होती है। तो इसको हम लोग बोलता है नीता के बारे में कि नीता तुम्हें जरूरी है, तुम्हें आवश्यक क्या है सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, टू बी केयरफुल यानी कि सावधान हो जाने के लिए सीखना तुम्हें जरूरी है। यू मस्ट रियलाइज द वैल्यू ऑफ और बिलोंगिंग्स एंड कीप देम केयरफुली। बोलता है कि यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें एहसास करना भी ज़रूरी है द वैल्यू और बिलोंगिंग्स, उसका कीमती के जो तुम्हारे संबंध में है, जो तुम्हारे वैसा वो सब चीज़ें को तुम्हारा मतलब वैल्यू कर एहसास करना जरूरी है, जो तेरे से बिलोंग कर रहा है, जो तेरे से संबंधित है, ठीक है। एंड कीप देम केयरफुली, और उसे जो है सो सावधानी पूर्वक रखें। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या निकलता है कि नीता का फादर जो है उसे कहा करता था कि नीता तुम्हें सीखने के लिए सावधान हो जाना जरूरी है, और तुम्हें एहसास करनी चाहिए अपने वस्तुएं को, अपने की वैल्यू जो अपने कीमती वस्तुओं को तुम्हें एहसास करना चाहिए और उसे सावधानी पूर्वक से रखना चाहिए। तो कीप मतलब क्या होता है, रखना होती है, देम मतलब उन्हें होती है, ठीक है, केयरफुली मतलब सावधानी से। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला लाइन में देखते हैं। वन डे नीताज फादर प्राउड या ब्यूटीफुल डॉल फोर हर। एक दिन, एक वन डे मतलब एक दिन, नीताज फादर नीता का पिता, ब्राउट मतलब लाना, तो ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है, एक ब्यूटीफुल डॉल यानी कि सुंदर गुड़िया फोर हर। तो इस लाइन का पूरा मतलब निकलता है कि एक दिन नीता का फादर जो है एक सुंदर गुड़िया लाई थी उसके लिए। शी लव्ड हर डॉल वेरी मच, जो नीता थी उसने बहुत प्यार करती थी अपने गुड़िया से, ठीक है। शी ऑलवेज केप्ड द डॉल विथ हर। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा होता है, कीप मतलब रखना होती है, तो वह केप्ड मतलब रखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब कौन सी आती है, दूसरा वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आती है, लेकिन जहाँ पे हम वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। तो वह क्या करती थी, सी ऑलवेज केप्ट द डॉल, वह हमेशा रखती थी गुड़िया को अपने पास। सी प्रोमिस,
सी प्रोमिस्ड हर फादर दैट सी वुड कीप द डॉल केयरफुली। वो अपने पिता से प्रॉमिस, मतलब क्या था, यह एक प्रकार का नाउन भी है और एक प्रकार का वर्ब भी है। तो प्रॉमिस मतलब होती है वादा, और प्रॉमिस मतलब भी होता है वादा करना। तो सी प्रॉमिस, उसने वादा किया था। यदि लास्ट में ई डी जुड़ जाता है तो वो सेकेंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो वह क्या बोलता है कि उसने अपने पिता से वादा किया कि सी वुड कीप द डॉल केयरफुली, यानी कि वह गुड़िया को सावधानी रूप से रखेगी, एंड वुड नॉट ब्रेक और लूज द डॉल, और ना तो वो तोड़ेंगे और ना ही वह इसे खोएंगे। आफ्टर सम डेज सी केप्ट द डॉल इन द कपबोर्ड। कुछ दिनों के बाद नीता जो थे, नीता के लिए यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया, उसने गुड़िया को रख दिया कप बोर्ड में। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं उसने क्या किया, गुड़िया को कहाँ रख दिया, कप बोर्ड में रख दिया। वन डे नीता फादर सेड, एक दिन नीता के पिता उसे कहा, कम नीता, नीता याव, आई'ल टेक यू फॉर एन आउटिंग। यहाँ पे देखते हैं अपोस्ट्रॉफी के बाद यदि डबल एल का प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग विल पढ़ेंगे। तो आउटिंग मतलब क्या होती है, आउटिंग मतलब होता है कि बाहर, कहीं बाहर ले जाना घुमाने के लिए, उसी को हम लोग आउटिंग बोलते हैं। तो आई'ल टेक यू फॉर एन आउटिंग, तो बोलता है कि इस लाइन का मतलब पूरा निकलता है, नीता आओ मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, सी रस्ट बैक इनटू हर रूम। रस मतलब क्या होता है, ये रस जो होती है उसको बोलते हैं रस। तो जब ई डी जब जुड़ जाती है तो वो हो जाती है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है क्योंकि थर्ड फॉर्म जो आती है सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है। तो सी रस्ट बैक इनटू हर रूम, वह अपना रूम में जल्दी पहुँची, एंड कैम बैक, और वापस जल्दी आ गई, विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, विद हर डॉल, अपने गुड़िया के साथ। तो वही बोलती है कि जैसे उसका पिता बोला कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा घुमाने के लिए, तो वह अपने रूम में जल्दी जल्दी से पहुंच जाती है और तैयार होकर कुछ ही मिनट्स में आ जाती है। हर फादर आस्केड वाई हैव यू गॉट द डॉल, बोलता है उसका पिता पूछा, Why मतलब क्यों होता है, Have you got, got मतलब लाना होता है, लिया होता है। ठीक है, तो तुमने गुड़िया क्यों लाई। ठीक है, बोल तब उसने रिप्लाइड दिया, रिप्लाई मतलब होता है किसी चीज़ को जवाब का रिप्लाई देना, उसी को हम लोग रिप्लाइड बोलते हैं। तो रिप्लाइड जो होता है सो सेकेंड फॉर्म होता है, रिप्लाई जो होता है सो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, माई डॉल विल बी लॉस्ट, बोलता है माई डॉल विल बी लॉस्ट, मेरा गुड़िया खो जाएगी, इफ आई लीव इट, यदि मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा, लीव इफ आई लीव इट हियर। लीव मतलब क्या होता है, तो लीव जो से एक प्रकार की, इसका दो मीनिंग निकलता है, लीव मतलब से कि छोड़ देना, और लीव मतलब छुट्टी भी होती है। तो यदि हम इसे यहाँ छोड़ दूंगी तो यह खो जाएगी, बट इफ आई कैरी, यदि मैं इसे ले जाऊंगा, क्या बोलती है, बट इफ आई कैरी इट अलोंग, यदि मैं इसे साथ ले जाऊंगा, अलोंग मतलब क्या होती है, साथ। ठीक है, वेयर एवर, जहाँ जहाँ कहीं, आई गो, मैं जाता हूँ, बोलता है कि यदि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, आई नेवर लूज इट, मैं इसे नहीं खोऊंगा, तो मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, मैं इसे जहाँ चाहूँ, मतलब मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ इसे ले जाऊँगा, तो मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। ठीक है, नीताज फादर लाफ्ड, लाफ्ड मतलब क्या होता है, हंसा था, लाफ मतलब हंसना होता है, सेकंड फॉर्म लाफ्ड होता है, एट हर फूलिशनेस, उसकी बेवकूफीता पर, यानी कि उसके बेवकूफ़ी पर हंसी। तो इस यहीं पर देखते हैं कि इस स्टोरी जो होता है सो यहीं पर समाप्त होता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को क्या क्या सीखने का मिला, कि नीता जो होती है
उसे एक प्रकार की बेवकूफ़ लड़की थी, यानी कि बेवकूफ़ी लड़की थी और लापरवाह थी। तो नीता जो है एक प्रकार की लापरवाह थी, बेवकूफ़ लड़की थी। उसका पिता जो है उसको कहता था, तुम्हें सीख लेना जरूरी है कैसे तुम्हें सावधानी से रहना है। ये बात उसका पिता जो है बताती थी, उसका उसका पिता जो है बताया करती थी नीता को। अब नीता के लिए उसने एक गुड़िया ला दी थी, तो गुड़िया से वो जो डॉल ला दी थी उससे वो बहुत प्यार करती थी और उसके साथ वो खेला करती थी, प्यार करती थी। उसने अपना पिता को वादा किया था कि इस गुड़िया को हम नहीं खोएंगे, कभी नहीं खोएंगे और ना ही तोड़ेंगे। तो उस गुड़िया को उसने कपबोर्ड में रख दिया था। एक दिन उसका पिता जो होती है नीता का, उसको बुलाती है और बोलता है कि आज हम लोग चलते हैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए, कि तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले चलते हैं। तो वह जो उसे जल्दी जल्दीबाजी में तैयार हो जाती है और अपने गुड़िया को साथ में ले जाती है। उसका पिता जब पूछता है कि तुमने इसे क्यों लाई, तब वो बोलती है कि मैं इसे खोना नहीं खोऊंगा, जहाँ कहीं भी जाऊँगा मैं लेके जाऊँगा, तब इसे नहीं खोऊंगा। ठीक है, इसी के बाद से लेकर उसका पिता जो से हंस पड़ती है। तो चलिए आज की क्लास जो से यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।